हेलो स्टूडेंट्स आई एम दिव्यांग सिंह बाजवा ऑन बिहाफ ऑफ कॉमर्स लेक्चर्स तो आज हम ना इस चैप्टर का प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वन प्राइज इज फॉलोइंग जो हमने पहले करा था वो क्या था जब प्राइज मेरा कॉन्स्टेंट था लेकिन अब क्या हो रहा है प्राइज गिरेगा देखो सीधे साफ सी बात है आपको पता मार्जनल रिवेन्यू क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू दैट एडिशनल रिवेन्यू विच इज रिसीव बाई सेलिंग वन मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मतलब अगर तुम किसी कमोडिटी uh, की एक और क्वांटिटी बेचते हो तो उससे जो तुम्हें पैसा मिलता है जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो जो पूरी कमोडिटी uh, की जो मार्केट में जो जिस प्राइस में बिकी है वो अलग जो पैसा मिलता है उसको कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू और अगर प्राइस गिरेगा तो वो जो पैसा मिलेगा वो कम होता जाएगा इसलिए मेरा मार्जिनल रिवेन्यू गिरा है यहाँ पर यही लिखा है वेन देर इज़ नो फिक्स प्राइज एंड इट फॉल्स विद आउटपुट एम आर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स इसका मतलब है कि अगर मेरा मार्जिनल रिवेन्यू गिर रहा है तो मेरा एम आर का कर्व जो मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व है ग्राफिकली वो भी तो गिरेगा ना मतलब अगर मेरा कर्व गिर रहा है तो ऐसे आएगा ना ऐसे लेकिन इसका एम आर का कव क्या तो कैसा होता है देखो ऐसा होता है ये ना सीधा ऐसे गिरता है ये ऐसे कव क्यों नहीं गिरता है? ऐसे ऐसे गिरता है ठीक है अब यहाँ लिखा हो प्रोड्यूसर एम्स टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एम सी इज़ इक्वल टू एम आर एंड एम सी कट्स एम आर इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है जिस पॉइंट में मेरा मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा कमोडिटी uh, को बनाने की कॉस्ट एक क्वान्टिटी ऑफ कॉमोडिटी को बनाने की कॉस्ट जब मेरे एक और कमोडिटी को बेचने की कॉस्ट मतलब बेचने के जो पैसा आएगा उसको बराबर होएगी इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट को जित uh, बनाने में जो कॉस्ट लग रही है वो जब बराबर हो जाएगी जितना उसको पैसा बेच के मिलता है ठीक है बेच के जो पैसा मिलता है उसके बराबर हो जाएगी तब ये मेरी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी और इसके बाद क्या होना चाहिए कि जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है मतलब जो मेरी कॉस्ट है ख़र्चा है वो रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाना चाहिए मतलब जो पैसा बेच के आता है वो कम हो जाना चाहिए और कॉस्ट ज़्यादा हो जानी चाहिए इस पॉइंट के बाद देखो टेबल में भी ये लिखा है आउटपुट मेरी बढ़ रही है धीरे धीरे लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है प्राइस कम हो रहा है धीरे धीरे एट से सेवन हुआ सेवन से सिक्स सिक्स से फाइव फाइव से फोर टोटल रेवेन्यू कितना होता है आउटपुट इनटू प्राइस एट फोटीन ठीक है एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी अब टोटल कॉस्ट क्या होती है वो तो मैंने खुद पता वो तो इसमें टेबल में खुद लिखनी पड़ेगी अब ध्यान रखना आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी वैसे वो फिक्स्ड वाला जो प्राइस होता है ना वो वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम ही देखा मैंने इतना तो देखा नहीं आज तक देखो ये टोटल uh, कॉस्ट ये आगे वैल्यूज मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा टोटल रेवेन्यू आगे वाला माइनस पीछे वाला फोर्टीन माइनस एट सिक्स एटीन माइनस फोर्टीन फोर ठीक है ऐसे आएगा पहला बार तो सेम रहता है देखो सेम है उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वही नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी देखो सारी आ गई और प्रॉफिट क्या होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट आ जाता है अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी तीसरी तीन यूनिट ऑफ आउटपुट पे क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा एम सी एम आर बराबर है फोर फोर और क्या हो रहा है एम सी ना ये जो एम सी एम मेरा बड़ा हो गया एम आर से फाइव हो गया सिक्स हो गया वो तो ज़ीरो ही हो गया और इसका डायग्राम देखो देखो मेरा एम आर नीचे गिर रहा है और मार्जिन कॉस्ट का कब ऐसा होता है ये आप कॉस्ट चैप्टर में पढ़ोगे अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है कॉस्ट में पढ़ेंगे हम ठीक है इसको तो एम आर कब यहाँ पर गिर रहा है देखो एम आर ना इसको दो पॉइंट पर काट रहा है लेकिन हमने ये वाला पॉइंट क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे ना मेरा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया देखो ये ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू से इसलिए तो वो इसमें ये लिखा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा एट ओएम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओएम मतलब ये वाली क्वांटिटी देखो ये है ना ये छोटा सा नीचे ये वाली जो क्वांटिटी है यहाँ यहाँ से यहाँ तक इस पर एक में होगा इसके बाद नहीं होगा तो बस ये इतना छोटा सा टॉपिक इसलिए मैंने आ, पढ़ाया है ताकि आपको नॉलेज मिल सके ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में अगर सी यू टी में आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में तो एक काम आएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा चैप्टर ये भी ख़त्म हो गया टेक केयर गुड बाय